बात देहरादून में तेंदुए की दहशत की। देहरादून के एक पॉश कॉलोनी में 5 घंटे तक तेंदुए की दहशत रही। तेंदुए को अचानक शहर में देखकर हर किसी की सांसें अटक गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी पहुंची। पिंजरा और जाल भी बिछाया गया। फिर आगे क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बुलेट की रफ्तार से भागता तेंदुआ, तेंदुए की दस्तक से दहशत में लोग। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां तेंदुए की दस्तक से हर कोई दहशत में आ गया। शहर में तेंदुए को देखकर हर किसी की सांसें अटक गई। सहस्त्रधारा रोड पर केवल विहार कॉलोनी में तेंदुए की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। कॉलोनी में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हर किसी को बस तेंदुए के पकड़े जाने का इंतजार था। वन विभाग के कर्मचारी पिंजरा और जाल लेकर तैयार थे। मंगलवार की दोपहर अचानक एक तेंदुआ केवल विहार लेन नंबर 2 में घुस आया। तेंदुए ने सबसे पहले इस घर में पनाह ली। घर में तेंदुए के घुसते ही घर के सभी लोग बाहर आ गए। फौरन वन विभाग की टीम को बुलाया गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। तेंदुए की मौजूदगी की खबर कौतूहल के साथ दहशत भरी थी, लेकिन हर कोई तेंदुए को देखना चाह रहा था। इस बीच तेंदुआ पीछे जाकर आराम फरमाने लगा। वन विभाग की टीम जाल और पिंजरे के सहारे तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी रही। करीब 5 घंटे बाद हरिद्वार राजाजी पार्क से तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर टीम भी पहुंची। तभी तेंदुआ बुलेट की रफ्तार से भागता हुआ बाहर आया। कॉलोनी में चीख पुकार मचने लगी। हर कोई दहशत में आ गया, लेकिन तेंदुआ दीवार फांद कर गायब हो गया और वन विभाग की टीम खाली पिंजरा लेकर वापस लौट गई। हिमांशु कुशवाहा, इंडिया टीवी, देहरादून। Thank you.